इंदौर में रेजिडेंसी कोठी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोके जाने पर कांग्रेसियों ने प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। उन्होंने प्रदेश प्रशासन और अधिकारियों को अपनी गरिमा न छोड़ने की सलाह दी है। वहीं देपालपुर में दलित महिला के अंतिम संस्कार न हो पाने पर भी उन्होंने प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। वहीं सिंधिया पर भी उन्होंने निशाना साधा है। वहीं सांवेर में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के ने जनता की तराजू में भारी होने की बात कही है। और दला प्रशासन ये हद तक मुर्दा हो गया, मुर्दा, फिर से मैं बोलूं मुर्दा। एक दलित की कलेक्टर तहसीलदार खड़ा है, पुलिस वाले खड़े हैं और दलित का शव जलाने में परेशानी आ रही। आखिर कहाँ चली गई मानवता, आखिर कहाँ चली गई मर्यादा, आखिर कहाँ चला गया कानून, कहाँ चला गया प्रशासन। मैं मानता हूँ ये अत्याचार और अन्याय ये अक्षम सरकार में ही हो सकता। उन पूरे प्रदेश और देश के साथ गद्दारी हुई जिसमें आपने भगा दिया स्वास्थ्य मंत्री, आप उन परिवार वालों के साथ गद्दारी की जिनके माफियाओं से जो पीड़ित थे, दुखी थे, मिलावट के खिलाफ युद्ध चल रहा था उनके साथ गद्दारी की। हम तो राजनीतिक व्यक्ति है, हार और जीत चलती रहती है, सरकार आती और चली जाती है। हम 15 साल से पहले भी विपक्ष में थे, अब भी विपक्ष में हो जाएंगे तो कोई मर नहीं जाएंगे। पर प्रदेश का क्या किया आपने, उस वोट को क्यों बेचा, उसके साथ गद्दारी क्यों की, ये सवाल आज प्रदेश के सामने है।